वीडियो में हम फोटोरिसेप्टर को पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में हम रेटिना को और लेंस को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना। रेटिना के ब्लड वेसल को समझने के लिए मैं रेटिना के दो पार्ट कर रहा हूँ, आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना, इनर टू थर्ड ऑफ रेटिना। आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना सिंपल यह कहूँ आउटर फाइव लेयर्स, या इनर टू थर्ड ऑफ रेटिना मतलब इनर फाइव लेयर्स। अब जो आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना, इसकी न्यूट्रिशन आएगी फनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ऑफ कोराइड, तो ये डिफ्यूजन के जरिए आएगी। तो कोराइडल कैपिलरी सप्लाई करती है आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना, इनर टू थर्ड ऑफ रेटिना को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो है रेटिनल वेसल, स्पेसिफिकली सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना नर्व फाइबर लेयर के अंदर होती हैं। फिर ये नर्व फाइबर लेयर में ब्रांचेस निकलेगी और ये ब्रांचेस बनाएगी नर्व प्लेक्सिस, किस लेयर में, सिक्स ओ में और नाइन में। सिक्स लेयर को बोलते हैं हम इनर न्यूक्लियर लेयर और नाइन्थ लेयर को बोलते हैं नर्व फाइबर लेयर। नेक्स्ट है फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस शैलो सर्कुलर डिप्रेशन देखने को मिलता है पोस्टीरियर पोल ऑफ ऑर्बिट ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ आई, यानी पीछे आई बाल के तो हमें ग्रूव देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। यहाँ पर जो ग्रूव बनता है यहाँ पर इनर लेयर्स रेटिना की नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के वाले से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिना यानी फोविया सेंट्रालिस के लेवल पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। तो पहली बात, यहाँ पर इनर लेयर्स ऑफ रेटिना नहीं होगी। दूसरी बात, जब फोटो सेंसिटिव सेल्स होगी वो सिर्फ कौन सी होगी, रॉड्स कोई नहीं होगा। बाइपोलर और गैंग्लियन सेल्स परिफ्री के ऊपर एकुमुलेट कर जाएगी, यहाँ पे कोई रेटिनल वेसल्स नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी देखने को मिलती है। दोबारा से, एब्सेंस ऑफ इनर लेयर ऑफ रेटिना, कॉन्स, बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स एकुमुलेट इन पेरीफ्री, नो रेटिनल वेसल्स, मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी। अब लास्ट में देख लेते हैं ब्लड रेटिना बैरियर। ब्लड रेटिना बैरियर ऐसा बैरियर जो ब्लड के दरमियान और रेटिना के दरमियान होगा। इसका मेन मकसद ये होगा कि न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करना, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रेटिना के अंदर एंटर ना होने देना। अब ये बैरियर डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे बना हुआ है, इसकी नेचर डिफरेंट होगी। आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना पे बैरियर डिफरेंट होगा, इनर टू थर्ड पे बैरियर डिफरेंट होगा। आउटर वन थर्ड ऑफ रेटिना जो न्यूट्रिशन लेता था फनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ऑफ कोराइड, तो ये किससे, इसकी कैसे बनेगा, जो टाइट जंक्शंस होते हैं रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम में, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम में टाइट जंक्शंस होते हैं, उनकी वजह से बैरियर बनता है, क्योंकि रेटिनल पिगमेंटेड एपिथीलियम के आउटर में पड़ा हुआ है कोराइड, इसकी ब्रूच मेम्ब्रेन। इनर टू थर्ड ऑफ रेटिना ये न्यूट्रिशन लेता है सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ रेटिना, और तो फिर यहाँ पे जो ब्लड रेटिना बैरियर बनेगा वो टाइट जंक्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइट जंक्शंस होंगे कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में होंगे, वहाँ पे थे एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना पिगमेंटेड एपिथीलियम और यहाँ पे होगा एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो इनर सेगमेंट और आउटर सेगमेंट इनको जोड़ने वाला एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग स्टार्क। आपको नजर आ रहा होगा ये कनेक्टिंग स्टार्क। तो कनेक्टिंग स्टार्क की नेचर क्या होगी, कनेक्टिंग स्टार्क जो आउटर और इनर सेगमेंट को जोड़ता है, तो इसके अंदर ये असल में ये मॉडिफाइड सीलियम है और सीलियम के अंदर नाइन पेरिफेरल डबलेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल वाले सिग्नल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ नाइन पेरिफेरल डबलेट देखने को मिलेंगे और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करेंगे बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी कहाँ पे होगी, इनर सेगमेंट के आउटर एंड पर। ये आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, और दरमियान में क्या होगा, कनेक्टिंग स्टार्क। तो ये इनर सेगमेंट की आउटर सर्फेस पे ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, बेसल बॉडी, वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करेंगे। इसके साथ साथ ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं आउटर सेगमेंट में होता क्या है। आउटर सेगमेंट में रॉड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस डिस्क होती है, लेकिन ये फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस डिस्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, जो प्लाज्मा लीमा होती है उसकी इनफोल्डिंग होती है, फिर ये मेम्ब्रेनस डिस्क प्लाज्मा लीमा से कंटिन्यूटी को खत्म कर देगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। इनके आउटर मोस्ट एरिया पर शेडिंग होगी, शेडिंग कंटिन्यूस होगी, लेकिन कॉन्स में ये इरेगुलर और डिसकंटिन्यूस होगी। मेम्ब्रेनस डिस्क के अंदर होगा क्या, मेम्ब्रेनस डिस्क के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होगा, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। यह सब्सटेंस विटामिन ए की वजह से और स्कोटॉप्सिन की वजह से बनता है, विटामिन ए स्पेसिफिकली रेटिनल। इसके बाद जो आउटर सेगमेंट के बाद आता है कनेक्टिंग स्टार, कनेक्टिंग स्टार का फंक्शन होगा इनर सेगमेंट और आउटर सेगमेंट को जोड़ना। इनर सेगमेंट का फंक्शन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, आरईआर भी ज्यादा होगा, सोमोथेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्जी भी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन होगी। वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड इनर सेगमेंट में तो बन गई, लेकिन इनर सेगमेंट में बनने के बाद ये कनेक्टिंग स्टार से होते हुए कहाँ पे चली जाएगी, आउटर सेगमेंट में चली जाएगी, और आउटर सेगमेंट में ये मेम्ब्रेनस डिस्क के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। आगे जो इनर सेगमेंट होता है रॉड्स का, वो कनेक्टेड होता है इसकी किसके साथ जुड़ा होता है, सेल बॉडी के साथ, यानी इसकी जो सेल बॉडी होगी, हमने कहा था ये सेल बॉडी कहाँ पे होती है, रॉड्स एंड कॉन्स की या न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनको जोड़ने वाला स्पेशलाइज्ड फाइबर होता है, उसको बोलते हैं आउटर रॉड फाइबर। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा आउटर रॉड फाइबर।
और यहाँ पर आपको नजर आएगा आउटर कोन फाइबर। अब किसका आउटर फाइबर ज्यादा बड़ा है और किसका शॉर्ट है, इसका लॉन्ग होगा और इसका फाइबर काफी ज्यादा शॉर्ट होगा। इसके साथ हमें यहाँ पर जो एक्सोनल प्रोसेस होते हैं रॉड सेल्स के, वो इनके अंदर होगा इनर रॉड फाइबर जो कि एक नो ब्लाइंड डायलेशन बनाएंगे, उसको बोलेंगे रॉड सेफिडूल। तो जो इनर, तो यहाँ पर क्या है, इनर रॉड फाइबर देखने को मिल रहा है, इनर रॉड फाइबर। और इनर रॉड फाइबर क्या बनाएगा, नो ब्लाइंड एक्सटेंशन, उसको बोलेंगे रॉड सेफिडूल, रॉड सेफिडूल। और रॉड सेफिडूल किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, बाइपोलर सेल के साथ और एक्सोन्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ। ये दोनों काफी होते हैं, ये दोनों होते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में, यहाँ पे साइनेप्स बने। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। तो यहाँ पर हम लेयर्स को देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, लो कलमनर एपिथेलियल सेल से बनेगी। एपिकल सर्फेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। साइटोप्लाज्म में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट जिसको मेलानिन कहते हैं। दूसरी लेयर है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, यहाँ पर आउटर और इनर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स देखने को मिलेगा। इसके बाद है आउटर लिमिटिंग लेयर, आउटर लिमिटिंग लेयर इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एडहेरिंग और टाइट जंक्शन देखने को मिलेगा मुलर सेल्स के आउटर एंड पे और इनर सेगमेंट ऑफ रॉड एंड कॉन। जो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये बैरियर के तौर पे काम आती है जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रेटिना की इनर लेयर में जाने नहीं देती। आउटर न्यूक्लियर लेयर, इसमें हमें न्यूक्लियस किसको देखने को मिलते हैं, कॉन्स के और रॉड्स के। जो कॉन्स के न्यूक्लियस के ओवॉइड होते हैं और सिंगल रो में अरेंज होते हैं, ये एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर के साथ ही अटैच होंगे। लेकिन जो रॉड न्यूक्लियस है स्फेरिकल होंगे और ये चार से लेके पांच रोज में अरेंज हो गए। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इसको आउटर साइनेप्टिक लेयर भी बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं वो साइनेप्स करते हैं, किसके साथ, डेंड्राइट्स और बाइपोलर के साथ, हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ और इंटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर सेल्स के साथ। इनर न्यूक्लियर में हमें कहा था कि बाइपोलर के सेंटर में, हॉरिजॉन्टल के आउटर में, एमेक्राइन के इनर में, इंटर प्लेक्सिफॉर्म और मुलर सेल्स की सेल बॉडीज देखने को मिलती है। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, यहाँ पे इसको इनर साइनेप्टिक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सोन्स होते हैं बाइपोलर के, वो गैंग्रियन के सेल्स के साथ साइनेप्स करते हैं। इसके साथ एमेक्रेन सेल्स और इंटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी देखने को मिलती है, उनके प्रोसेस भी साइनेप्स करते हैं। इसके बाद है गैंग्रियन सेल लेयर, इसके अंदर गैंग्रियन सेल्स हो गए जो कि लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा। ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर, यहाँ पे अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स हो गए गैंग्रियन सेल लेयर के। ये एक्सोन्स रेटिनल सर्फेस से पैरेलल पड़े हुए होते हैं और ये पोस्टीरियर पोल पे आके कन्वर्ज होने के बाद ऑप्टिक डिस्क बनाते हैं, यानी ठीक हो गया। और इसके अंदर इस लेयर में हमें एस्ट्रोसाइट, स्पेसिफिकली फाइब्रस एस्ट्रोसाइट देखने को मिलते हैं। इनर लिमिटिंग लेयर, इसको बोलते हैं इंटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये असल में मुलर सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स बॉडी है और ये किसके दरमियान पड़ा हुआ होगा, लेंस एंटीरियरली आयरस और पोस्टीरियरली वाइट्रस बॉडी, ये ट्रांसपेरेंट होगा बाइकॉन्वेक्स होगा लेंस। लेंस शुरू में एल्डर वन में जो लेंस होगा वो इलास्टिक होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है लेंस की इलास्टिसिटी कम होती रहती है, लेंस हार्डन होता रहता है। स्ट्रक्चरली देखा जाए या फिर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो हमें लेंस की तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल, फिर लेंस कैप्सूल से नीचे एक एपिथीलियम देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे सब कैप्सुलर एपिथीलियम। उस एपिथीलियम से भी नीचे देखने को मिलेगा वह लेंस सबस्टांस जो लेंस फाइबर के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो लेंस कैप्सूल, सब कैप्सूल एपिथीलियम और लेंस एपिथीलियम। और लेंस को अपनी जगह पर रखने के लिए स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं जो सिलियरी प्रोसेस से निकलते हैं, उसको बोलते हैं सिलियरी जोन्यूल या जोन्यूलर फाइबर। इन सारे को मिला के क्या बनता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। अब लेंस कैप्सूल, जो लेंस कैप्सूल है ट्रांसपेरेंट होमोजीनस इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो पूरे के पूरे लेंस को सराउंड करती है और ये कोलेजन टाइप 4 से बनेगी। इसको आपने रट्टा मारना है, बाकी जगह पर तो कोलेजन टाइप 1 था लेकिन लेंस बनता है कोलेजन टाइप 4 से। और यहाँ पे सल्फेटेड ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन देखने को मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, लेंस कैप्सूल इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी की वजह से ही लेंस अपनी शेप को एज्यूम कर सकता है। अगर ग्लोबुलर शेप लेंस की होगी तो फिर लेंस क्या करेगा, लेंस नियर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन अगर लेंस की शेप अगर कॉनकेव होगी, फ्लैटेंड होगी, तब ये फार ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा। इस डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पर लेंस की कन्वेक्सिटी को कंपेयर कीजिएगा। अब है सब कैप्सुलर एपिथीलियम, जो कैप्सूल से नीचे पड़ी होगी उसको बोलेंगे सब कैप्सुलर। सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होगी जो सिर्फ एंटीरियर सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी और अगर इक्वेटर की तरफ यानी इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो सेल्स इलोंगेट हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, लेंस फाइबर्स। लेंस फाइबर क्या बनाएंगे, लेंस का मेन सब्सटेंस। और थ्रू आउट द लाइफ जो लेंस की ग्रोथ होती है इन्हीं फाइबर के एडिशन की वजह से होती है। अब है लेंस सब्सटेंस, तो लेंस सब्सटेंस किसकी वजह से बनेगा, लेंस फाइबर के मिलाने की वजह से बनेगा। ये फाइबर असल में क्या होगी, ये फाइबर असल में ये जो एम्ब्रियोनिक लेंस वेसिकल है उससे ड्राइव होते हैं। कहाँ से ड्राइव होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेंस वेसिकल। अब ये ड्राइव कैसे होगी, मैंने आपको बताया था सब कैप्सुलर एपिथीलियम, ये असल में यही जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं यही ट्रांसफॉर्म होकर लेंस फाइबर्स बनाते हैं और ये लेंस फाइबर ऐड कराने के लिए माइटोटिक डिवीजन होती है।
अब यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म्ड लेंस फाइबर्स होते हैं जो इक्वेटर के ऊपर सब कैप्सुलर एपिथीलियम की वजह से बनते हैं, इनकी इलॉन्गेशन की वजह से, इनके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, ये हाईली इलॉन्गेटेड होते हैं, इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, इनकी ऑर्गेनेलिस खत्म हो जाती है, इनके साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिन। अब आगे इंडिविजुअल लेंस फाइबर को पहचानने के लिए जो उसकी आउटर एरिया है, आउटर एरिया क्या बनाता है, कॉर्टेक्स, उसका सेंटर वाला एरिया है, वहाँ पर क्या बनता है, न्यूक्लियस, वहाँ पे लेंस फाइबर कंडेंस होकर होमोजेनाइज हो जाते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू लेंस का, लेंस कैप्सूल, सब कैप्सुलर एपिथीलियम, लेंस सबस्टांस का जो लेंस फाइबर्स के मिलकर बनता है। अब लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन एज के साथ साथ ये ओपैक हो जाएगा जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कहाँ कब कब हो सकता है, चिल्ड्रन में भी हो सकता है, यंग पीपल में भी हो सकता है। यंग पीपल में कब होगा, जब इंजरी होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस या फिर यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर, इसमें भी हमें लेंस सबस्टांस की ओपेसिटी देखने को मिलती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू लेंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।